मथुरा थाना राया के सरकारी मंडी समिति में से किसान के बाजरा की 122 बोरी चोरी होने से किसानों में हड़कंप मच गया। जी हां, इस घटना को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया और मंडी की सुरक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंडी में पहले भी चोरी की घटना हो चुकी है। दरअसल इस समय मंडी में बाजरा के सीजन चल रहा है, जो किसान अपना बाजरा लेकर बेचने को व्यापारी के यहाँ लेकर आते हैं। अगर उसके उसी दिन उसकी तुलाई नहीं हो पाती तो किसान मंडी की सुरक्षा और व्यापारी की दुकान को सुरक्षित मानकर अपना माल रात को वहीं छोड़ देते हैं, जिससे दूसरे दिन आकर अपना माल बेच सके। मगर यह क्या हुआ कि जो किसान रात को अपने 122 कट्टे आड़तियों के यहाँ भरोसे पर छोड़ गया था, जब आड़तियां दुकान पर आया तो घबरा गया। किसान का माल ही गायब हो गया और फोन पर किसान को सूचना दे कि आपके बाजरे के कट्टे चोरी हो गए हैं। आनंद फानन में किसान मंडी समिति पहुंचा और जानकारी ली तो पता लगा कि उसके माल के कट्टे चोरी हो गए हैं। वहीं मंडी प्रबंधन से बात की गई तो उनका कहना है कि सीसीटीवी कैमरा तो है मगर काम नहीं कर रहे हैं। इससे यही माना जा सकता है कि मंडी समिति भी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चाओं में है। वहीं किसान ने बताया कि या सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, मगर जब तक हम लोग रहते हैं तभी तक सिक्योरिटी गार्ड नजर आते हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं या सो जाते हैं, जिस कारण यह माल चोरी हुआ है। जबकि इससे पहले भी हराया मंडी की बात करें तो चोरी की कई वारदातें पहले भी हो चुकी हैं, मगर प्रशासन ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जिससे सिक्योरिटी और सीसीटीवी ठीक करवा दिया जाए, जिससे किसानों को नुकसान ना हो। वहीं मंडी प्रबंधन भी किसान को सलाह देता हुआ नजर आया कि जाइए पुलिस में रिपोर्ट करवाइए, जबकि इस घटना से और भी किसान अपने माल को लेकर घबराने लगे हैं। जी हाँ, उसी को लेकर उन्होंने आपस में कहा सुनी भी हुई है। अब देखना यह होगा कि मंडी समिति इन किसानों के दर्द को किस रूप में लेती है और किस तरह की व्यवस्थाएं करती है। सब जी, कहाँ के रहने वाले हो? किस विद्यालय में पढ़ते हो? अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जो है ना पेयजल की व्यवस्था की चलते कि आप पानी वानी कहाँ पीते हैं? नल पे। नल ना, कौन सा नल लगा हुआ है आपके यहाँ? अच्छा, ये जब कभी नल खराब होता है तो कौन बनवाता है इसको, बताओ बेटा? राम जी है, कौन बनवाता है? राम जी। क्या जी? सर, किस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं? प्राथमिक विद्यालय। अच्छा सर, ये विद्यालय में जो क्या मरम्मत कराएगी, ये टाइल वगैरह लगाएगी, कितने द्वारा लगाएगी? जी सर, प्रधान जी के द्वारा लगाएगी। अच्छा, यहाँ कौन प्रधान है जी? श्री शिवराज सिंह यादव जी। अच्छा, तो कैसा कार्य कर रहे हैं ये विद्यालय? हमारे विद्यालय के हिसाब से तो उन्होंने मेरे विद्यालय में तो अच्छा कार्य किया है जी। सब कमरों में टाइल लगाई हुई रखी है, बाथरूम में टॉयलेट में भी टाइल लगा के रखी है, और एक रास्ता भी, हमारे दिक्कत आ रही थी बरसात में, प्रधान जी रास्ता भी। अच्छा, ये सर विद्यालय जो पहले कैसी स्थिति में था? पहले तो सर बदहाल स्थिति में था, क्योंकि पीछे की जो हमारी दीवार थी, कमरे में पानी सर आ रहा था, वो प्रधान जी नहीं कराया पीछे मरम्मत का कार्य, पूरा प्लास्टर कराया, कोताही उताई कराई उसकी, और ये क्या नाम इंटरलॉक भी उन्होंने प्रधान जी ने कराया। हमें तो सर बहुत बड़ी परेशानी में थे, ये जो है क्या नाम फर्श वगैरह भी प्रधान जी का ही कराया हुआ है अभी तक सर। कच्ची मिट्टी थी सर, धूल उड़ती थी यहाँ पे। अच्छा, किस गांव का रहने वाले हो? बन्नार। अच्छा, क्या कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? गांव से। अच्छा, यहाँ का प्रधान कौन है सर? अच्छा, ये बताइए आपके गांव में विकास कैसा कराया है उन्होंने? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या क्या विकास कराया, कुछ जानकारी? नालियाँ बनवाई, नालियाँ बनवाई, इंटरलॉक कराई जी। अच्छा, आपको पेंशन मिलती है? जी। किसने बनवाई थी? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह वर्तमान प्रधान ने। प्रभा देवी। अच्छा, किस गांव की रहने वाली हूँ? इसी गांव की। क्या नाम, गांव का नाम क्या है? धन्ना। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो है ना ग्राम प्रधान ने क्या विकास कराया है? ये गलियाँ सब कच्ची थी जी, इसमें कीचड़ था, इसमें मिट्टी डलवाई और सफाई करवाई, ये सब तो पूरे गांव में ये गलियाँ बनवाई है इन्होंने। अच्छा, तो पहले कैसी थी? पहले कच्ची थी बिल्कुल, तो निकलने में दिक्कत थी। ग्राम पंचायत क्या प्रधान है? गांसी। कितने सालों से प्रधानी का काम कर रहे हैं? करीब 95 से। अच्छा, ये बताइए आपकी ग्राम सभा में कुल कितने गांव, गांव कितने हैं? 9 गांव। अच्छा, अब तक जो ना इसके गांव के विकास के लिए कितना धनराशि आई है? धनराशि तो सीटी के पास होगी, 3-4 सीटी बदल चुके हैं जी, तो सबके पास अलग अलग फेसबुक पहुंचे थे। अच्छा, इन गांव में ग्राम सभा में जो ना आप कितनी जनसंख्या है और कितने मतदाता है आपके? लगभग मतदाता वही है करीब करीब 3500-3600 जनसंख्या का लगभग है। अच्छा, आपने जो ना विकास के चलते कितनी गलियों में इंटरलॉकिंग कराई, कितने में खरंजा कराया? एक गली में खरंजा है और करीब लगभग 25 गली में
पूरे 9 गांव में। अच्छा अच्छा, आपने जो है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कितने आपने जो है ना आवास दिए हैं? लगभग 14-15 आवास है। वो गरीबों को दिया है? गरीबों को। अच्छा, पेयजल की क्या व्यवस्था की गई आपके तरफ से? पीने का पानी की? पीने पानी हैंडपम्प तो पहले हमने नहीं कोई लगवाए जी, विधायक द्वारा लगे हुए हैं जी, और टंकी बनी है तो वहाँ का पानी लोग पीते हैं। अच्छा, इन जो बने हुए हैं विधायक द्वारा जो पेयजल के चलते जो है ना इंडिया मार्क का हैंडपम्प आपके यहाँ है, उनकी मरम्मत वगैरह भी करवाते हैं? हाँ, करीब 25-30 की मरम्मत 30-35 से कराई। अच्छा सर, आपकी ग्राम पंचायत में कुल विद्यालय कितने हैं? 8। और उनके लिए सौंदर्यीकरण में किस तरह से आपने कराया है? सब में टाले बिछवाई हैं जी, और कुछ बड़ा मिट्टी भी डलवाई है जी, नगला कुशल में जो है उसकी पूरी मतलब बाउंड्री कराई, प्लस्तर कराया है, केबाड़ी से लेकर सारे काम कराए। अच्छा, यहाँ बच्चों के खेलने का मैदान गांगसी में जी। अच्छा, यहाँ पे जो ना स्कूल में पेयजल के चलते जो छात्र छात्राएं उनकी व्यवस्था कैसी है जो पानी पीने की? पानी पीने की 3-4 स्कूल में टंकी रखी और हैंडपम्प सब में है जी। ये बताइए सर, आपके यहाँ स्वच्छ शौचालय कितने बने हुए हैं? करीब 400 के लगभग तभी बन गए हैं जी, कुछ पहले के दूसरे तलाम। अच्छा, इसमें धनराशि कितनी आ चुकी है? अब ऐसे तो नहीं बता पाएंगे हम। क्या आपने अपने खातों से बनवाए हैं या मतलब जो ना जो लाभार्थी हैं उन्हीं के खातों में इसकी धनराशि गई? इसकी धनराशि लाभार्थी खाते में गई। तो क्या पूरी धनराशि जा चुकी है? नहीं, 6-6 हजार रुपए अभी तक गए जी, और दूसरी किस्त किसी की नहीं आई। अच्छा, ये आरोप एक है नगला भूचा के लोगों ने लगाया है कि गांव में उन्होंने कोई विकास नहीं कराया, कोई नाली खलंजा नहीं बनवाया है, तालाब नहीं है और गंदी मतलब पानी जो है ना सड़क पे भरा रहता है और खेतों में जाता है। क्या कहेंगे आप? ऐसा है, पहले एक काश्त थी उसी में पानी दूसरे के में जाता सर गाँव, तो उन्होंने पानी बंद कर दिया और नगला भूचा वाले जो चक्रोड है, नाली है, खलियान की जगह है, तालाब है, जो सरकारी जगह जो है पानी निकलने के लिए वो उन्होंने मकान बना लिए हैं और अपने मकान बना के खड़े हैं और कोई उसमें व्यवस्था ऐसी नहीं जो सरकारी जगह पर उन पानी निकाले। तो ये आरोप क्या झूठे हैं? झूठे आरोप में पानी तो भरा है लेकिन झूठे आरोप में हमको सरकार से मनना चाहिए, नेपाल कानून को पुलिस द्वारा से वो यानी नाली और ये क्या नाम मुझे चकड़ोड ये खलियान की साफ खुलवा दी जाए, मैं नाली बनवा देंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।